समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को अरेस्ट किया है जो फर्जी आईपीएस ऑफिसर बनकर लोगों पर रौब जमाता था। पूरे मामले का उद्भेदन एक महिला की शिकायत पर हुआ। दरअसल पीड़ित महिला ने युवक पर फर्जी आईपीएस बन शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस कप्तान मानवजीत सिंह ढिल्लो के निर्देश पर सदर डीएसपी शहबान हबीब फाकरी के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया। थाना में एक लड़की ने एक आवेदन दिया था। एक शख्स हैं जो अपना नाम अविनाश मिश्रा बताते हैं, कभी दिलकुश बताते हैं, कभी पराशर बताते हैं, अमन पराशर बताते हैं, और खुद को 2014 बैच का आईपीएस अफसर बताते हैं। और ये बता करके और शादी का प्रलोभन दे करके उनके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन बाद में उस लड़की को ये पता चला कि ये आईपीएस अफसर नहीं है, ये फर्जी आदमी है। जिसके बाद उन्होंने हमारे थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया, और एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके ऊपर छापेमारी करी गई। जो अविनाश मिश्रा हैं, अमन पराशर, दिलकुश, उनके ऊपर छापेमारी करी गई। उनके पास से आईपीएस की वर्दी, पिस्टल, मोबाइल और भी चीज़ें बरामद हुई, जिसको बाद आपने जब्ती सूची बना करके रखा। एक संबंध बनाया शादी का पर्व पर। आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया। टीम ने जब उनके ऊपर विधिवत छापेमारी करी तो उनके पास से आईपीएस की वर्दी, पिस्टल, लैपटॉप और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुए, ठीक है, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया विधिवत और बाकी कार्रवाई की। क्या नाम है उनका? कभी वो अमित, खुद को अमित मिश्रा बताते हैं, कभी अमन पराशर बताते हैं, कभी किस तरह ये चूना लगाते थे लोगों को? खुद को आईपीएस बनाते थे, बताते थे, खुद को आईपीएस बताते थे, और इस तरीके से लोगों के ऊपर अपना दबदबा बनाते थे और उनको झांसा। उसी तरह से इनका बॉडीगार्ड वगैरह या गाड़ी वगैरह भी यूज करते थे क्या? नहीं, इस संबंध में जांच चल रही है, जाँच होगी क्या बॉडीगार्ड का इस्तेमाल। इसके पूर्व भी जेल जा चुके हैं? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास रहा है। ये आईपीएस बन के ही खुद को फर्जी आईपीएस पर बताने के लिए इनके ऊपर दरभंगा के एटीएम थाने में पहले भी मुकदमा था। गिरफ्तार फर्जी आईपीएस की पहचान अविनाश कुमार मिश्रा के रूप में हुई है। गिरफ्तार युवक के पास से आईपीएस की नकली ड्रेस, एक रिवॉल्वर, गोली, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार उक्त युवक फर्जी आईपीएस बनने के आरोप में इससे पहले भी एक बार जेल जा चुका है। युवक कभी अपना नाम अमित झा तो कभी अमन पारासर तो कभी दिलखुश बताता है। वो दरभंगा जिले के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र पतौर का रहने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।